पता नहीं सब बात क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। बात क्या है? फरीद को किसी ने बता दिया है कि मैं उसकी सगी माँ हूं। और वो यकीन करके बैठ गया है। बार बार मुझसे पूछता है कि मेरा बाप कौन है। आपसे तो कोई बात नहीं की उसने? नहीं, पर आपको ये क्यों लगा कि मैंने उसके साथ इस बारे में कोई बात की होगी? ऐसे ही वो तो कह रहे कि नसीम ने उसे बताया, लेकिन मुझे लगता है फरीद मुझसे कुछ छुपा रहा है। बेइंतहा बदतमीजी की उसने मुझसे, सवाल पूछता है, कस्में उठवाता है, कहता मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बस उसी वक्त घर से निकल आई। तब तो ये भी तय नहीं था कि मैं यहां आऊंगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो 2-4 दिन में यहां रुक सकती हूं। सिर्फ 2-4 दिन की बात है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। क्या हो गया आपको? आपका अपना घर है, जब तक चाहे आप यहां रुके। बल्कि मैं फ्री से भी इस बारे में बात करता हूं उसे। उससे आपने कोई बात नहीं करनी। मेरे साथ जो किया उसने किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो आपसे कोई बदतमीजी करे। तुम्हारी अम्मी से खुद बात हुई थी? नहीं, मैं तो मामा से बात कर रही थी। परेशान थी तो वो परेशानी की वजह पूछ रही थी। बता दिया कि ताईजान घर छोड़ के चली गई हैं। उसी दौरान मामा ने बताया कि तुम्हारी ताईजान यहाँ आई हैं। सारा कसूर फरीद भाई का। उन्होंने अम्मी के साथ बदतमीजी की, इसीलिए घर छोड़ के चली गई। वो तो शुक्र है पता लगे चाचा के घर है। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। पर मुझे हैरत इस बात की है कि ताईजान वहां क्यों गई। अरे यही पूछने के लिए तो फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही।